अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुनैद फ्रॉम जुनैद टेक। आज की इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन करने वाले हैं हुआवे Y7 प्राइम 2019 मॉडल और टेक्नो स्पार्क 5 प्रो जो कि 2020 में लॉन्च हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले बात करें हुआवे Y7 प्राइम की, तो इस मोबाइल में हमें स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। ऑक्टाकोर का प्रोसेसर लगाया गया है। यहाँ पर हमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर हमें 6.26 इंचेस का एक IPS LCD टच स्क्रीन पैनल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। और अगर रियर पर बात करें तो रियर पर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और यहाँ पर हमें एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाती है और फिंगरप्रिंट भी रियर पर लगाया गया है। अगर बात करें टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की, तो इस मोबाइल में हमें मीडियाटेक हीलियो A25 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। ऑक्टाकोर का प्रोसेसर दिया गया है। और इस मोबाइल में हमें 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर हमें 6.6 इंचेस का एक IPS LCD टच स्क्रीन पैनल देखने को मिल जाता है, जिसको हम डॉट इन डिस्प्ले भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा लगाया गया है वो स्क्रीन के अंदर लगाया गया है। और यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर रियर की बात करें तो रियर पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और यहाँ पर QVGA कैमरा भी लगाया गया है। और यहाँ पर एक LED फ्लैश दी गई है और फिंगरप्रिंट को भी रियर पर लगाया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों मोबाइल्स को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Y7 प्राइम 2019 मॉडल पहले स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक जो स्पार्क 5 प्रो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर अब ये भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीसेंट टास्क नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस मैंने रखी हैं, आज इन एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल फास्ट है। तो सबसे पहले सेटिंग्स, तो यहाँ पर स्पार्क 5 प्रो आगे है। तो यहाँ पर अबाउट फोन मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस मोबाइल में हमें एंड्रॉयड 8.1 देखने को मिल जाता है, जो कि ओरियो है। और इस मोबाइल में हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद प्ले स्टोर, तो यहाँ पर Y7 प्राइम आ गई है। इसके बाद यूट्यूब, यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 5 प्रो आ गई है। इसके बाद क्रोम, यहाँ पर Y7 प्राइम आ गई है। कैमरा, यहाँ पर दोनों तकरीबन सेम हैं। इसके बाद फेसबुक, यहाँ पर Y7 प्राइम आ गई है। स्नैपट्यूब, यहाँ पर भी Y7 प्राइम आ गई है। इसके बाद टिकटॉक, दोनों तकरीबन सेम हैं यहाँ पर। ज़ेपिया, यहाँ पर तकरीबन दोनों ही सेम हैं। इसके बाद MX प्लेयर, तो यहाँ पर दोनों तकरीबन सेम हैं। फोटोशॉप एक्सप्रेस, यहाँ पर Y7 प्राइम आगे है। व्हाट्सएप, तो अभी तक तो दोनों में स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Y7 प्राइम थोड़ा सा आगे था। इसके बाद OLX,
तो यहाँ पर टेक्नो आगे है, स्नैपचैट यहाँ पर भी टेक्नो आगे है, यहाँ पर एक गेम है सबवे सर्फर्स, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी Y7 Prime आगे है। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो Y7 Prime है इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और इसमें हमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है, इस मोबाइल में हमें 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।